मुल्क भर में नादरा के दफातर खुल गए, जबकि नादरा सेंटर में दाखिले के लिए मास्क लगाना, दर्जा हरारत चेक कराना, हाथों पर सैनिटाइजर लगाना लाजमी करार दिया गया है। मुल्क भर में नादरा के दफातर खुलने पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं। तर्जुमान नादरा के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए नादरा सेंटर में दाखिले के लिए मास्क लगाना, दर्जे हरारत चेक कराना और हाथों पर सैनिटाइजर लगवाना लाजमी करार दिया गया है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर नई रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक तस्दीक कराने वाले साइलिन को तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा ऐसे साइलिन जिनका नाम एहसास कफालत प्रोग्राम में आ गया है मगर फिंगरप्रिंट तस्दीक न होने की वजह से उनको इमदाद नहीं मिल रही, उनका प्रोसेस हंगामी बुनियादों पर किया जा रहा है ताकि वो इमदाद हासिल कर सकें। नादरा तर्जुमान का कहना है कि जिन शहरियों के शनाख्ती कार्ड की मुदत खत्म हो चुकी है उनकी तारीख रवा साल जुलाई तक बढ़ा दी गई है, जबकि शनाख्ती कार्ड की फरहमी से मुतालिक मालूमात के लिए नादरा दफातर आने से पहले 8400 पर मैसेज करना होगा। तर्जुमान का मजीद कहना था कि शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए आने वाले साइलिन 15 मई के बाद रुजू करें, जबकि रश और धूप से बचने के लिए साइलिन नादरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेब सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।